हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री के जो कल आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं आज सुबह, ठीक है, आज आपके जो एग्ज़ाम है पेपर है, तो इसके पेपर्स आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूरी क्वेश्चंस देख के जाएँ, आपके जरूरी इससे आपके कुछ क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या बोलता है कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। क्या जाएगा, ऑप्शन वन हो जाएंगे सर, ऑप्शन वन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर आपके टू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है, देखिएगा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इट्स एसेंशियल एनालिसिस गेव कार्बन 38.71%, हाइड्रोजन 9.67%, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है सर, आपके 38.71% है, ठीक है, और आपके परसेंटेज ऑफ जो हाइड्रोजन है वो कितना है सर, 9.67 है, और आपके ऑक्सीजन क्या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, 100% में 38.71 माइनस क्या करेंगे 9.67 आपके सबट्रैक्ट कर देंगे, क्या बच जाएंगे यहाँ से आपके जो बच जाएंगे वो 51.62 बच जाएंगे यहाँ से सॉल्व करने के बाद। तो ए 51.62 बच जाएंगे। आप क्या करते हैं, मोलिकुलर ए आप क्या कंसीडर कर लेते हैं, मास है, क्या कंसीडर कर लेते हैं, ये मास है। तो आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं गिवन मास बाय मोलिकुलर मास से। तो क्या हो जाएगा, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, कार्बन का जब निकालेंगे 38.71 बाय क्या होता है मोलिक आपके इसके जो एटॉमिक मास होते हैं कितना होता है 12H2। आप क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 9.67 आपके जो दिए हुए मास है, और जो मोलिकुलर मास जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या निकाले अभी, गिवन मास आपके 51.62 है, डिवाइड किससे कर रहे हैं इसका, इसका आपके एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना था 16। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पे 3.225 आएगा H2 आपके क्या जाएंगे 9.67 आएगा, फिर H2 आपका क्या जाएगा, आपका 3.226 आएंगे। तो लगभग ए आपके क्या जाएगा, आपका इसका रेशियो निकालोगे तो 1:1:3:2 क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स कि कार्बन आपका एक होगा सर, आपके हाइड्रोजन 3 होंगे और ऑक्सीजन आपका एक होगा, को मिल गया आपके ऑप्शन 3 मिल गए, आपके क्या जाएंगे 2 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको निकालना था, परसेंटेज ऑफ कार्बन पता चल गया तो सबको क्या करते हैं, एटॉमिक मास से उसे डिवाइड करते हैं, उसकी रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, फिर उसका रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं क्या जाता है 1:3:1 आपके, यही क्या जाता है, कार्बन एक हो जाता है, हाइड्रोजन 3 हो जाते हैं, ऑक्सीजन कितना जाते हैं, एक हो जाते, क्या जाता है CH3O हो जाते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या जाता है, ऑप्शन 2 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके बोलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री बोलता है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4D ऑर्बिटल इज, 4D ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, डी ऑर्बिटल में कितना रह सकता है, 10 रह सकता है सर, क्या जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके बोलते हैं क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम जो है 24 होता है तो ये नियम तोड़ देता है, रूल को फ्लो नहीं करता, आर्गन क्या हो जाता है, आर्गन 4s1 और 3d5 हो जाता है, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनाता है, इसीलिए ये आपकी रूल तोड़ देते हैं, क्या जाएंगे, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। 4 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा सर, 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, आर्गन 4s1 3d5 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 4 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 5 बोलता है, क्वेश्चन नंबर फाइव बोलता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ आपके 10 मीटर पर सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली, एच का वैल्यू आपका दे दिया है 6.63 × 10⁻¹⁴। तो 60 ग्राम को पहले क्या करते हैं, मास को हम केजी में चेंज कर लेते हैं, 60 बाय क्या जाएगा आपके 1000 हो जाएंगे, केजी में चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 6/100 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से आपके 0.06 केजी आ जाएगा। फिर आपकी वेलोसिटी कितना दिया हुआ है,
10 मीटर पर सेकेंड दिए हुए। तो लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है क्या होता है, एच बाई एम वी होता है, एच बाई एम वी होता है। तो एच कितना दिया हुआ है मेरा 6.63 इंटू 10 का पावर -34 दिया हुआ है। बाई बाई आपका क्या है, आपका एम, एम कितना है सर, एम जो आपका दिया हुआ है 0.06 दिए हुए हैं, और आपकी क्या जो भी दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपके ए पॉइंट से आपका क्या 6 लगभग है, यहाँ पे 6 मान लो, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा इंटू क्या जाएगा 10 का पावर -34 हो जाएंगे। ये आपके हटा दो, ये यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया है, क्या आ जाएंगे यहाँ से 10 का पावर -33 आ जाएंगे, 10 का पावर -33 मीटर हो जाएंगे। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन सी दिख गया सर, 30 आपके क्या हो जाएगा 5 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे, 10 का पावर -33 मीटर, देखो आ भी गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना, लैम्डा बराबर एच बाई एम वी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलता है क्या, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, फोर्थ द नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है, फोर्थ पीरियड में आपके पीरियोडिक टेबल में कितना होता है 18 होता है सर, कितना होता है 18 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में आपके 18 एलिमेंट होते हैं, क्या जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलता है क्या, द आयनिक रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन 3- ऑक्सीजन 2- फ्लोरिन -, Na+ फ्लोदी, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो और जिसका आपका माइनस चार्ज ज़्यादा होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा, इसका एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई ज़्यादा होगा, तो इसमें आपके इसमें चारों में क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, तो N3- जो हो जाएगा वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, O2- से, और F- से, और क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन होगा N+ से, Na+ से, क्या जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएंगे, 7 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 8 क्या बोलता है, 8 क्या बोलता है आप देखिएगा, 8 जो बोलता है क्या, क्या अल्कली मेटल इन ईच पीरियड हाइव जो होता है, अल्कली मेटल के ईच पीरियड में जो होते हैं क्या होते हैं कि लोवेस्ट आयोनाइजेशन, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी जो होता है 1 आपके, वो आपके लोवेस्ट होते हैं, क्या जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएंगे, 8 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, कि अल्कली मेटल के सभी अल्कली मेटल के जो एलिमेंट होते हैं उसके जो आपके होते हैं क्या होते हैं सर, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है आपके, पहला आयोनाइजेशन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो लोवेस्ट होता है, कम होता है, क्या जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ठीक है। अल्कली मेटल इन ईच पीरियड, अल्कली मेटल जो इसका क्या होता है लोवेस्ट होता है आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये इजीली से डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली से दे सकता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोलता है क्या, द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन BeCl2, तो BeCl2 आपके Cl और इधर से लगेगा BeCl, तो क्या करेगा यहाँ से डायपोल मोमेंट इधर और इसका डायपोल लीनियर बनाता है, तो क्या करेगा आपस में कैंसिल कर लेगा, आपस में कैंसिल कर लेगा, तो डायपोल मोमेंट कितना जाएगा म्यू जो हो जाएगा आपका कितना 0 हो जाएंगे, क्या जाएंगे ऑप्शन 3 हो जाएंगे, 9 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन प्रोपाइन, तो सबसे पहले क्या करेंगे प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे यहाँ पे H लगाएंगे, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे 2 पाई हो जाएंगे और 1 सिग्मा हो जाएगा, तो यहाँ पे से आपका क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में मतलब 2 पाई है और 1 सिग्मा है, तो कितना 2 पाई मिल गया ना, 2 पाई आपके, तो पहले ऑप्शन तो मिल गया, देखो 2 पाई, तो पहला क्या 2 पाई, देखो सिग्मा कितना है आपकी 6 सिग्मा बॉन्ड है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 सिग्मा 2 पाई, क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएंगे सर। अब ध्यान रखिएगा अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा और 1 पाई बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा है और बाकी 2 जो है 2 पाई बॉन्ड है, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो क्या हो जाता है इसका ऑप्शन 10 का ऑप्शन 1 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 11 बोलता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ BrF5 ब्रोमीन, आपकी जो ब्रोमीन फ्लोराइड का क्या होगा बताना है, BrF5 क्या हो जाएगा, Br का जो होगा एक आपके लोन पेयर हो जाएंगे और बाकी क्या हो जाएगा F
और एक एफ यहाँ पे, क्या जाएगा स्क्वायर पैरामेडल हो जाएगा, क्या जाएगा स्क्वायर पैरामेडल हो जाएगा सर, स्क्वायर पैरामेडल हो जाएंगे, स्क्वायर पैरामेडल हो जाएगा, कोई दिखा ऑप्शन वन हो जाएंगे, एलेवन का ऑप्शन वन हो जाएगा। अब बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी इन पी सी एल फाइव, तो पी सी एल फाइव क्या होता है पी सी एल, ऐसे आपके लगेंगे सी एल, ऊपर एक सी एल नीचे एक सी एल, तो पी सी एल फाइव में आपके जो हो जाएंगे पी सी एल फॉस्फोरस क्लोराइड पेंटा क्लोराइड में जो हो जाएगा आपका क्या जाएगा एस पी थ्री डी हो जाएंगे, एस पी थ्री डी हो जाएंगे, ऑप्शन क्या जाएगा टू हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा एस पी थ्री डी हो जाएंगे, ऑप्शन टू हो जाएगा सर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है ए गैस विच ऑलवेज गैस लो एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, कि एक गैस अगर ओबे कर रहा है गैस लो को ऑल रेंज कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर के सभी रेंज पे, तो उसे हम क्या कहते हैं आइडियल गैस कहते हैं, क्या कहते हैं आइडियल गैस कहते हैं, क्या जाएगा ऑप्शन टू हो जाएंगे, 13 का ऑप्शन टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि व्हाट विल बी मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 bar प्रेशर टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो क्या होता है यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में आपके जो होते हैं सर आइसोथर्मल प्रोसेस में वो P1/V1 इज इक्वल टू क्या होता है P2/V2 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा P1V1 आपका P1 कितना है, P1 आपका क्या निकालना है, P1 आपके कितना है 500 है, फिर क्या हो जाएगा आपके P2 कितना है आपका 1 bar है सर, और आपके कितना ये आपके V2 कितना है 200 डेसीमीटर क्यूब है, क्या हो जाएगा यहाँ से P1 इज इक्वल टू आपको जो निकालना है क्या जाएगा आपका 500 इधर डिवाइड में उधर जाएगा क्या जाएगा मल्टीप्लाई में 500 बटा क्या जाएगा 200 हो जाएंगे, तो 200 से 00 कैंसिल क्या जाएगा 5/2, तो क्या जाएगा यहाँ से 2.5 आपके बार आ जाएंगे, कोई दिख गया ऑप्शन टू दिख गया सर, ऑप्शन टू दिख गया, 14 का ऑप्शन टू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है द एंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर जीरो, कि सभी एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड स्टेट्स में एंथैल्पी क्या होता है जीरो होते हैं, 15 का क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया इज आपकी कितना है 46 किलो जूल पर मोल है, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, तो आपके पर मोल बनने के लिए तो एक आपका देखो एमोनिया बनाने के लिए क्या कर रहे हैं आपके N2+H2 जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है एमोनिया बन रहा है, तो यहाँ पे 3H2 हो गया और यहाँ पे क्या लग रहा है यहाँ पे आपका हाफ लग रहा है, तो क्या बन रहा है 1 mole आपका एमोनिया बन रहा है, मतलब कितना बन रहा है -46 किलो जूल पर मोल बना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बना, तो अगर 1 mole बनाना है इसे 2 mole बनाना है तो N2+3H2 क्या बनेगा यहाँ से जो बनेंगे 2NH3 बनेंगे, 2 mole मतलब क्या आ जाएगा -92, 2 mole बने ना तो 2-292 किलो जूल पर मोल हो जाएंगे, ठीक है तो यहाँ से 92, तो अब इसे पलट देते क्या 2NH3 से अगर हम क्या बना रहे हैं N2+3H2 रिएक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है तो आपकी पलट रिएक्शन चेंज कर जा रहा है एंथैल्पी चेंज कर जा रहा है, तो क्या जाएगा +92 किलो जूल आपके NH3 रिएक्टेड पे आ गए तो क्या जाएगा +92 किलो जूल पर मोल हो जाएंगे, को ऑप्शन दी का ऑप्शन टू हो जाएंगे सर, ऑप्शन टू हो जाएगा, रिएक्शन पलट गया इसीलिए आपका ये भी चेंज हो जाएगा एंथैल्पी आपके जो चेंज हो जाएंगे कितना हो जाएगा +92 किलो जूल हो जाएंगे, किलो जूल हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि ए रिएक्शन A+B गिव C+D+हीट इज फाउंड टू हैव ए पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज द रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, कब होगा एट हाई टेम्परेचर पे होंगे, 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन वन हो जाएंगे सर, पॉसिबल ए रिएक्शन हमेशा जब होगा कब होगा एट हाई टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है। अब आते क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है क्या फॉर द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो आपके पता है ना सॉलिड के लिए 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा Kp बराबर क्या हो जाएगा PCO2 हो जाएगा PCO2 क्या दिखेगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 18 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे
कंजुगेट एसिड ऑफ NH3, कंजुगेट एसिड आपके एनामोनिया का NH3 क्या हो जाएगा, NH4+ हो जाएगा, NH4+ हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज लेविस एसिड, BF3, क्योंकि इसमें आपके वैकेंट प्लेस है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या लोन पेयर ले सकता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, लोन पेयर ले लेता है, तो इसको बोलते हैं लेविस एसिड। BF3 आपका क्या है, BF3 आपका लेविस एसिड है, ऑप्शन 3 हो जाएंगे 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 21 बोलता है क्या, द pH ऑफ ए 10^-10 मोलारिटी NaOH सोल्यूशन इज, तो NaOH में अगर वाटर है एक्वस में तो क्या जाएगा आपके H+ आपके इज इक्वल टू OH- है, तो OH- आयन, तो OH- आयन निकालने चले, तो POH- निकालने चले, तो क्या हो जाएगा यहाँ का पद से 10^-7 हो जाएंगे, 10^-7, और अगर यहीं से POH आपका कितना दिया हुआ है, 10^-10 दिया हुआ है, दोनों का ऐड करेंगे तो POH कितना हो जाएगा, POH आपके हो जाएंगे 10^-7 और आपके +10^-10 हो जाएंगे। फिर यहाँ से अगर कॉमन निकाल दिए तो क्या जाएगा 10^-7 यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा क्या 10^-3 बचेंगे, फिर क्या निकलेगा यहाँ से 10^-7 यहाँ ऐड करेंगे तो 1.1 आपके क्या जाएंगे 0.01 हो जाएंगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे POH निकालेंगे, तो POH OH का कंसंट्रेशन यहाँ पे OH- का कंसंट्रेशन है, OH- का कंसंट्रेशन है, OH- का कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो OH- तो POH अगर निकालने चले माइनस का तो क्या जाएगा log 10^-7 और ये क्या जाएगा 1.001 हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर लगभग अगर निकालने चले क्या जाएगा आपके -7 - log आपके हो जाएंगे ना माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस क्या जाएगा आपके -7 log 7 आ जाएंगे, 1 हो जाएंगे, तो 10 log 10 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 7 × 1 कितना आ गया 1, आपके 7 आ गए, क्या जाएगा POH- कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो आपको पता है क्या pH आपका pH प्लस POH कितना होता है आपका 14 होता है, तो pH कितना निकालना है प्लस pH निकालना है, तो pH निकालना है तो POH पता चल गया कितना 7 14 क्या जाएगा pH इक्वल टू कितना जाएगा 14 - 7 क्या जाएगा 7 आ जाएगा, क्या जाएगा 7 आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे, क्या जाएंगे न्यूट्रल, क्या जाएगा ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, ऑप्शन क्या जाएंगे 2 हो जाएंगे सर, 21 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज, तो क्लोरीन को क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, Cl प्लस क्या आ जाएगा O3 इजिकल टू कितना चार्ज है आपके 1 - 1 है तो -1 लिखेंगे, Cl को क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं प्लस 3, ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी होता है -2 होता है, क्लोरीन का निकालना है इसलिए एक्स मान लिए, इजिकल टू -1 क्या जाएगा x - 6 इज इक्वल टू -1 तो क्या जाएगा x इज इक्वल टू -1 + 6 कितना जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिखा आपका ऑप्शन 1 दिख गया, 22 का क्या जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएंगे सर, 22 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, 23 बोलता है द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आपके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है इंक्रीमेंट होता है इंक्रीज होता है, क्या जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएंगे, 23 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 बोलता है कि इन द रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 क्या देता है Cu+H2O देता है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद को रिड्यूस करे और जिससे ऑक्सीजन हट जाए, तो कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद को रिड्यूस होकर हाइड्रोजन को क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। 24 का ऑप्शन क्या जाएगा 24 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके 25 बोलता है क्या द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मोलिक्यूल, तो ये आपको याद रखना है कि आपके बॉन्ड एंगल जो आपके होते हैं वाटर मोलिक्यूल का कितना होता है 104.5 डिग्री होता है, आपके क्या जाएंगे ऑप्शन 2 हो जाएंगे, 25 का 104.5 डिग्री होता है 104.5 डिग्री
ऑप्शन टू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जाता है क्या 26 द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम का जो होता है क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO होता है, क्या जाएगा ऑप्शन फोर हो जाएंगे, 26 का ऑप्शन फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 27 ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, क्या जाएगा ऑप्शन फोर हो जाएंगे। ग्रुप वन और ग्रुप टू में आपके एस ब्लॉक एलिमेंट को रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, क्या जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे, 27 का फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 आपको बोलता है क्या द नेचर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स। एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स क्या होता है आपके बेसिक होते हैं, क्या होते हैं बेसिक, 28 का क्या जाएगा ऑप्शन थ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 आपका बोलता है क्या विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओर ऑफ अल्मोनियम, अल्मोनियम का ओर कौन है बॉक्साइट, क्या जाएगा ऑप्शन फोर हो जाएंगे, 29 का ऑप्शन फोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है आईपीएसी नेम ऑफ CH3CH2CO CH2CH3 का काउंटिंग करो 1 2 जिधर से आपके फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो है, जिधर से बिगिन हो आपके फंक्शनल ग्रुप आपके सेम आ रहे हैं, तो क्या जाएगा 5 है, क्या लिखेंगे पेंटेन क्या लगा हुआ है कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो किस पे लगा हुआ है 3 कार्बन पे, तो क्या जाएगा पेंटेन थ्री ऑन हो जाएगा क्या जाएगा ऑप्शन थ्री हो जाएंगे, 30 का ऑप्शन थ्री हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है क्या पोजिशन आइसोमर ऑफ CH3CH2CH2OH, तो क्या हो जाएगा देख लो CH3CH फिर क्या हो जाएगा CH3 यहाँ पे OH लगा दो, यही तो पोजिशनल आइसोमर्स है, क्या हो जाएगा ऑप्शन टू हो जाएंगे, ऑप्शन टू देखो वही है, अगर एक्सपेंड करोगे तो यही फॉर्म आएगा ठीक है, तो आपके ऑप्शन टू हो जाएंगे। पोजिशनल आइसोमर मतलब कि फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए फंक्शनल ग्रुप का पोजिशन खाली चेंज हो जाए, तो देखो वन पोजिशन से कहाँ पर चला गया दूसरा पोजिशन पर चला गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा पहला का नाइमिंग करते तो क्या होता आपके आपके हो जाती ये प्रोपेनॉल और आपका दूसरा नंबर क्या हो जाता है प्रोपेन टू ओल हो जाता है, दूसरा पर अल्कोहल लगा हुआ है, तो इसी को क्या बोलेंगे पोजीशन आइसोमर कहते हैं, ऑप्शन टू हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है CH3 2 CH डॉट है, तो इसको क्या बोलते हैं आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं सी है CH3 है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एक H लगा हुआ है एक यहाँ पे रेडिकल से, तो ये क्या बोलते हैं आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं, 32 का क्या हो जाएगा ऑप्शन वन हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपके 33 बोलता है क्या विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि जो आप क्या हो जो आपके इलेक्ट्रॉन को लव करे, तो कौन करेगा Cl प्लस, जिस पे प्लस चार्ज हो तो Cl प्लस, क्या जाएगा ऑप्शन फोर हो जाएंगे, 33 का ऑप्शन फोर हो जाएंगे, 33 का ऑप्शन क्या जाएगा फोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है क्या 34 क्या बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, तो आपको पता होना चाहिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपकी ज़्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से फिर आपके 1 डिग्री से ये सीरीज में, तो देखो कौन दिखा आपकी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देख लो ना CH3 ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो ये ज़्यादा स्टेबल है, क्या जाएगा ऑप्शन टू हो जाएंगे, ऑप्शन टू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है क्या साइक्लो, ये क्या है 6 कार्बन का रिंग है तो क्या बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, क्या है साइक्लोहेक्सेन है, 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे साइक्लोहेक्सेन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है द आईपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑप्टेंड बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ पेंट टू इन, तो पेंट टू इन पे पहले पेंट टू इन बना लो, पेंट टू इन बन गया, देखो यहाँ पे CH3 लगेंगे यहाँ पे क्या H लगेंगे यहाँ पे H2 लगेंगे यहाँ पे H3 लगेंगे, ओजोनोलाइसिस करेंगे मतलब O3 अगर पास करवाएंगे इससे तो क्या हो जाएगा ये आपके बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेंगे एक O इधर लगा दो एक O इधर लगा दो, क्या बन जाएंगे यहाँ से CH3 CH2 और क्या बन जाएगा CHO बन जाएगा, इधर क्या बनेगा एंड क्या बनेंगे CHO और क्या बनेगा आपके इधर से CH3 बनेंगे, मतलब क्या बन रहा है आपका CHO मतलब कि ए आपका बन गया क्या प्रोपेनल,
क्या बन गया, प्रोपेनॉल बन गया, और ये क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। क्या क्या बनेगा, प्रोपेनॉल बनेगा, प्रोपेनॉल बनेगा, प्रोपेनॉल बनेगा, और क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, आपके ऑप्शन वन बन जाएंगे। तो क्या करना है, जहाँ पे पेंडिंग टू इन, जहाँ पे आपकी डबल बॉन्ड है उसको तोड़ो, और ऑक्सीजन अगल उसके भी जहाँ बीच में तोड़ा, एक इधर लगा दो लेफ्ट में, एक लगा दो राइट में, क्या बन जाएगा आपका, अल्केनॉल बनता है। तो ये तीन कार्बन करेगा तो प्रोपेनॉल बन जा रहा है, दो कार्बन का तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। क्या मिल जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन आपके 31 का वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोलते हैं 37 बोलता है क्या कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन कैसे बनाया जा सकता है, जब हम इथेनॉल को एक्सेस का कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, हीटिंग करेंगे और एक्सेस CH आपके सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे इथेनॉल में, तो क्या बन जाएगा मेरा, इथिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथिन बन जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन टू हो जाएंगे सर, ऑप्शन टू हो जाएंगे 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या हो जाएगा, जो आपके हो जाएंगे OH हो जाएंगे। OH जो है वो ऑर्थो को और पैरा को क्या करेगा, डायरेक्टिंग ग्रुप बना देगा, डायरेक्टिंग ग्रुप बना देगा। क्या जाएगा, ऑप्शन थ्री हो जाएंगे, 38 का ऑप्शन थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 39, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर, मीन्स कि ओजोन लेयर को कौन डिप्लेट करने के लिए जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है अपर स्ट्रेटोस्फेयर में, तो फेरोन्स, कौन है, फेरोन्स है। ऑप्शन क्या जाएंगे, फोर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, बिसाइड सीओ टू अदर ग्रीन हाउस गैसेज आपकी कौन है, सीओ टू को छोड़ के मिथेन भी है। क्या जाएगा, ऑप्शन वन हो जाएंगे, मिथेन भी आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है, और क्या जाएगा, ऑप्शन वन हो जाएंगे 40 का। तो इस तरह से हम देख लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके आ सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से करके जाइएगा, ठीक है, धन्यवाद।